छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल प्रश्न पेपर सॉल्यूशन 2023-24 सितंबर पूरक अवसर परीक्षा कक्षा दसवीं विषय गृह विज्ञान होम साइंस। तो आज के वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 5 सालों के रिकॉर्ड से उठा कर लाया हूं दोस्तों, जिसमें से 100% 50% के प्रश्न अवश्य आएंगे। यानी ये वीडियो आपको पूरा फुल देखना है। मैं वीडियो देखने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाने वाला नहीं है कोई, आप लोग वीडियो के माध्यम से ही सीख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर कैसे लिखे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने जा रहा हूं कि आपको प्रश्नोत्तर कैसे लिखना है। यदि प्रश्न में कोई भी प्रश्न आ जाए तो भी आप लोग प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो कक्षा दसवीं का होम साइंस। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चुनाव करें जिसमें लौह प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर ये पत्तेदार जो सब्जियाँ होती है उसमें होते हैं। विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रतौंधी रोग से हमको बचाता है। सूती कपड़े पर रक्त का पुराना दाग कैसे निकाल सकते हैं? तो नमक के पानी का प्रयोग करके, पहला वाला ऑप्शन सही है। निषेचित अंडे क्या कहलाते हैं? तो निषेचित अंडे ओवम या जायगोट कहलाते हैं। एड्स रोग का संचरण किसमें होता है? तो एड्स रोग का संचरण संक्रमित सुइयों से होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विटामिन ए का कार्य क्या होता है? आँखों को स्वस्थ रखना। याद करते जाइए मेरे साथ साथ, विटामिन ए का कार्य आँखों को स्वस्थ रखना है, ठीक है। कपड़ों को धोने से पहले भिगोना नहीं चाहिए। तो कौन से कपड़े को? रंगीन कपड़ों को। रसोई घर में कार्य करते समय कपड़े पहनना चाहिए। कौन से कपड़े? सूती कपड़े। व्यापक कुपोषण समग्र विकास को प्रभावित करता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं को खरीदता ना और प्रयोग करता है। कूड़े कचरे का निपटान की नवीनतम तकनीक भस्मीकरण है, सत्य है। अचारों में मसाले मिलाने से सूक्ष्म जीवों का विकास शीघ्रता से होता है, सत्य है। पकाने की प्रक्रिया के दौरान विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, सत्य है। सूर्य प्रकाश हल्के भी संक्रामक का कार्य करता है, सत्य है। ईमानदारी और निष्ठा जीवन के मूल्य होते हैं, सत्य है। प्रश्न 2 से 7 तक लघुत्तरी प्रश्न है। गृह विज्ञान के क्षेत्र में घर से चलाए जाने वाले स्वरोजगार के उदाहरण दीजिए। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र में ड्रेस डिजाइनिंग की दुकान है, कैटरिंग का कार्य है, प्ले स्कूल है आदि। सौर कुकर के एक लाभ लिखिए। तो हानि, इसका हानि है भोजन के जलने और रंग खोने की आशंका होती है। ईंधन की इससे बचत होती है। संक्रामक रोग कैसे होते हैं? तो संक्रामक रोग हमारे चारों और सब जगह रोगाणु विद्यमान है और चारों विधियों से फैलते हैं। भोजन है, जल है, वायु है, मच्छर है, संपर्क द्वारा। प्रबंधन प्रक्रिया के 4 चरण की सूची बनाइए। तो प्रबंधन प्रक्रिया नियोजन है, संगठन है, क्रियान्वयन है, मूल्यांकन है। प्रारंभिक प्रेरणा का अर्थ बताइए। तो प्रारंभिक प्रेरणा का अर्थ जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के विकास के लिए आदर्श सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। दाग क्या है? किसी अन्य तत्वों के संपर्क में आने के कारण कपड़ों पर लगे अवांछित निशानों को दाग या धब्बा कहते हैं। भोजन संरक्षण के महत्व लिखे। तो भोजन को सुरक्षित कैसे रखा जाए? तो भोजन संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है। संरक्षण से हमारे जीवन में विविधता आती है। बच्चों के वंशानुगत गुणों को लिखिए। तो बच्चों के वंशानुगत निम्नलिखित है। माता पिता के समान होते हैं वो, और माता पिता के बालों के जैसे भी बाल होते हैं। सभी कार्यों को समान महत्व देना, आदर देना महत्वपूर्ण है। हमें जीवन में सभी कार्यों को महत्व देना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है ना। हमको बराबर रूप से सभी घर का भी कार्य करना चाहिए, बाहर में भी कार्य करना चाहिए। ईमानदारी से अपने कार्यों को करते रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ अधिकार होते वहाँ उत्तरदायित्व होते, समझाइए। तो परिवार के सदस्यों के प्रति हमारी बहुत जिम्मेदारी होती है, अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं। हमें परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सब बातों को लिखना है, ठीक है। उपभोक्ता शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो उपभोक्ता शिक्षा यानी बुद्धिमत्ता पूर्ण रूप से खरीदारी करना को उपभोक्ता शिक्षा कहते हैं। हम लोगों को समझाते हैं कि आप किस प्रकार को प्रोडक्ट ले और किस प्रकार के ना लिए। मानकीकृत चिन्ह किसे कहते हैं, है ना। तो भारतीय संसद में जो है ये पारित किया गया है कि लोगों को सिर्फ मानकीकृत चिन्हों के द्वारा सामान को खरीदना चाहिए। जैसे हॉलमार्क वाले जो होते हैं, ISI वाले जो चिन्ह होते हैं, है ना, यही चीज़ों का उत्पाद को खरीदना चाहिए।
निर्जलीकरण और विधि से पुदीना के पत्तियों को संरक्षित रखने के चार उपाय। तो यहाँ पर पुदीना के डंठलों को निकाल ले तथा अच्छी तरह से धो ले, इसको थोड़ा रट लेना है आपको। व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा समुदाय स्वास्थ्य किस प्रकार संबंधित है, उदाहरण दीजिए। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य से स्वयं का जो स्वास्थ्य होता है, रोग मुक्त होना चाहिए हमको, ठीक है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब है जन साधारण सभी लोगों का स्वास्थ्य के प्रति सरकार को देखना होता है, इसे अपन सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं। सामान्य तथा हल्के कार्यों के में अंतर बताइए। तो सामान्य कार्य क्या होता है, प्रत्येक कार्य के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। भारी काम, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जैसे दौड़ना है, पोछा लगाना है आदि। सामान्य काम, इसमें औसत स्तर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें भोजन पकाना, प्रेस करना आदि होता है। हल्का काम क्या होता है, सामंजस्य शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सामंजस्य का अर्थ होता है एक समय पर दो या अधिक कार्य को किया जा सकता है, ठीक है। हम एक ही समय में दो कार्य को कैसे करते हैं, उसको सामंजस्य कहते हैं, है ना। जैसे दाल पकाना और कपड़े धोना, दाल को आप कुकर में रख दीजिए और जो है कपड़े भी जाकर आप धो सकते हैं। वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट डालकर कपड़े धोना और सुखाना, पढ़ाई करना, रात्रि का भोजन पकाना और गृह कार्य में बहन की मदद करना, रसोई को साफ करना और सोने की तैयारी करना, ये सब जो है सामंजस्य है। प्राथमिक उपचार क्या है, प्राथमिक उपचार के सामान्य नियम लिखे। प्राथमिक उपचार यानी घर में चोट लग जाए किसी को छोटा मोटा, तो घर पर ही उसका इलाज करना, उसको प्राथमिक किट के द्वारा, जैसे पट्टी वगैरह रखना, घर पे किट रखना, पैरासीटामोल की दवाई रखना, ठीक है, ये सभी जो है प्राथमिक उपचार में आता है। अगर घर में कहीं पर छोटा मोटा चोट लग जाए तो आप प्राथमिक किट के द्वारा उपचार कर सकते हैं, ठीक। संतुलित आहार क्या है और भोजन विनिमय क्या है। तो भोजन को सुरक्षित रखना, भोजन विनिमय को समझाया गया है यहाँ पर, तो नोट कर लीजिएगा इसको। अब संतुलित आहार नीचे में लिख दिया हूँ। तो संतुलित आहार क्या होता है, जिससे हमारे शरीर को आवश्यकताओं को सभी संपूर्ण पोषक तत्व मिल जाता है, उसे अपन संतुलित आहार कहते हैं, जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि शरीर जो है सुचारू रूप से चलता है, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। अगर आप उमा हो तो अपने संबंधों को नेहा के साथ किस प्रकार बेहतर करेंगी। 3 साल पहले उमा की शादी राजन से हुई। वह एक बड़े शहर में एक रूढ़िवादी संयुक्त परिवार में रहती है। उसके परिवार में उसके पति, माता पिता, अविवाहित देवर इत्यादि रहते हैं। यहाँ पर उसका उत्तर दिया है दोस्तों, आप गाइड में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में एक बच्चे के घर में प्रेरक वातावरण प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी गतिविधियाँ सुझाए जो उसे ज्ञानात्मक विकास के संवर्धन में सहायक हो। तो पार्क में अन्य बच्चों के साथ खेलना है, सक्रिय सीखने वाली गतिविधियों में भाग लेना, मित्र सामाजिक समूह, बड़ों को अच्छा व्यवहार देने में सिखाना, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित करना आदि। सूत निर्माण के विभिन्न चरण लिखे। तो सफाई करना, सबसे पहले सूत निर्माण के लिए सफाई किया जाता है, धुनना, उसके बाद विजटीकरण के बाद कताई करना है, कुंडलन करना है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। सूत किसे कहते हैं, कपड़ा बुनाई के 5 गुण लिखिए। तो सूत गुथे हुए तंतुओं के निरंतर लंबी कड़ी को कहते हैं। तो बुनाई के 5 गुण निम्नलिखित है, अपने मित्र को सूचित करें कि बिजली के झटके से किस प्रकार बचा जा सकता है। तो उसको सबसे पहले आप समझाएंगे कि गीले हाथों से कभी भी स्विच को छूना नहीं चाहिए, नंगे पांव बिजली का कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे सॉकेट का उपयोग करना चाहिए जो बहुत अच्छे क्वालिटी के हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, बिजली के तारों को ख़राब होने पर उसे तुरंत बदल दे, ISI मार्क वाले विद्युत उपकरण का उपयोग करें। संवातन के 6 लाभ लिखिए। तो संवातन के 6 लाभ निम्नलिखित है, नोट कर लीजिए दोस्तों।